कबीर साहब की परंपरा में सतनाम, सत साहेब, सत कबीर आदि लिखा और कहा जाता है। कबीर संस्थान इलाहाबाद से प्रकाशित पुस्तकों एवं पत्रिका में कहीं भी सतनाम, सत साहेब का उच्चारण नहीं पाया गया। ऐसा क्यों? कभी एकदम सुनसान जगह से गुजरे, कुछ चट्टाने हैं, थोड़े से पहाड़ हैं, दूर से देखें तो चूना से लिखा रहता है सत साहेब। वहां कोई लिखने वाला नहीं है, लगता है परमात्मा आकर के लिख गया। सत कबीर हैं, कबीरपंथी लोग लिखते हैं, लेकिन कबीर संस्थान इलाहाबाद से प्रकाशित पुस्तकों में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं पाया गया। ऐसा क्यों? प्रश्न उनका जायज है। इसका उत्तर इस प्रकार से दिया गया है, सतनाम, सत साहेब, इनका उच्चारण करते रहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु सत्य निर्णय एवं सत्य आचरण की आवश्यकता है। मनुष्य को सुख शांति सतनाम के उच्चारण से नहीं, किंतु सत्य निर्णय और उसके अनुसार आचरण से मिलती है। कबीर पार्क संस्थान इलाहाबाद की प्रकाशित पुस्तकों में आप सतनाम भले ना पाते हों, किंतु ये पुस्तकें आपको सच निर्णय और उसके अनुसार आचरण करने की प्रेरणा अवश्य देते हैं। सद्गुरुवे नमः तो लिखा ही जाता है, पत्रिका में भी लिखा जाता है, और पुस्तक के सबसे कवर का जो प्रारंभिक, जहां आरंभ होता है, वहां सद्गुरुवे नमः लिखा रहता है। अगला प्रश्न, प्रयाग में गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्म के पाप धुल जाते हैं और काशी में मरने से स्वर्ग तथा मोक्ष मिलता है, ये कहां तक सत्य है? ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। साहब लिखते हैं, यह कहां तक सत्य है? यह सर्वथा असत्य है। प्रयाग या अन्य तीर्थों में जाकर संतों के सत्संग करने और सत्संग के अनुसार जीवन जीने से पाप कटेंगे और इसी जीवन में सुख संतोष रूपी स्वर्ग मिलेगा, मात्र स्नान करने से कुछ नहीं होता। अगला प्रश्न, जिसको मैंने कभी देखा सुना नहीं, उसका स्वप्न क्यों होता है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिसको मैंने कभी देखा सुना नहीं, उसका स्वप्न क्यों होता है?
उत्तर, जिसको कभी देखा सुना नहीं उसका स्वप्न कभी नहीं होगा। पहले जिसको कभी देखा सुना गया है स्वप्न उसी का ही होता है। हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसमें से बहुत थोड़ा याद रहता है, अधिकतम बातें तो भूल जाते हैं। जो बातें याद नहीं रहती हैं वे मिट नहीं जाती, वे बातें सब की सब हमारे अचेतन मस्तिष्क में स्टोर हो जाती हैं और फिर वही धीरे धीरे स्वप्न के रूप में दिखते हैं। आज की ही देखी सुनी बातों का स्वप्न नहीं होता, किंतु उम्र के अनुसार 10-20 बरस, 50 बरस, 60 बरस, 70 बरस पुरानी देखी सुनी बातों का स्वप्न हो सकता है, भले ही ये बातें आज सामने याद ना हो, किंतु वे अचेतन मस्तिष्क में तो अंकित ही हैं, इसलिए वे स्वप्न में दिखती हैं। जो मस्तिष्क है, एक तो वह हिस्सा होता है जो चेतन मस्तिष्क है। आप हम जो कुछ सामने देखते सुनते हैं, बोलते हैं, बर्ताव करते हैं, तुरंत रिफ्लेक्स करते हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं, एक तो वह हिस्सा है। एक हिस्सा वह है जिसे सबकॉन्शियस कहा जाता है। सबकॉन्शियस मतलब अवचेतन। वह हिस्से में जा करके चीजें, वो हार्ड डिस्क है, वो एचडी है, वो उसमें जाकर के सब कुछ स्टोर होता रहता है। जिन चीजों की तुरंत आवश्यकता है वो चीजें सामने आती जाती हैं वहां से। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता हमें तत्काल नहीं पड़ती है। तो क्या होता है, जब हम सोने के लिए जाते हैं तो मस्तिष्क नहीं सोता है, मस्तिष्क कभी नहीं सोता है, ना हार्ट सोता है, न किडनी सोती है, न मस्तिष्क सोता है। तो वह जो वहां पर सामान रखा हुआ है, जो यादें रखी हुई हैं, जो बातें रखी हुई हैं, उन सब में हरकतें शुरू हो जाती हैं और वह ऐसे ही नहीं फेंक देते हैं। अवचेतन मस्तिष्क की चीजें चेतन मस्तिष्क को भेजी जाती हैं और पूछा जाता है इसको डिलीट करना है या इसको मेमोरी में रखना है। हो सकता है कुछ काम की चीज हो तो इसको रखना है या इसको डिलीट करना है। बहुत सारी चीजें डिलीट हो जाती हैं, स्वप्न हम देखते हैं और हमें कई बार याद भी नहीं रहता है कि हमने क्या देखा है स्वप्न। ऐसा लगता है कुछ आया था चित्त में, याद नहीं है। क्यों? मस्तिष्क का ये व्यर्थ है, फिजूल है, इनको डिलीट कर दो। कभी कभी कोई सिग्नल अटक जाता है और वह स्टोर कर लिया जाता है। जब हम जगते हैं तो मस्तिष्क से अवचेतन मस्तिष्क पूछता है ये फाइल डिलीट करनी थी कि नहीं डिलीट करनी थी। तो वही कुछ स्वप्न जो याद रह जाते हैं वो अवचेतन मस्तिष्क के ही हैं। आप कहेंगे हमने तो ऐसे देखा नहीं, हमने तो कभी ऐसा सोचा नहीं। तो एक कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। शेर देखा है कभी टीवी में और आदमी देखा है, तो स्वप्न में हो सकता है एक ऐसा फिगर आ जाए जिसमें शेर का चेहरा हो और आदमी का धड़ हो, दोनों चीजों को मिला करके। स्वप्न खिचड़ी होते हैं, मिला जुला करके होते हैं, लेकिन वो देखे हुए का ही परिणाम होते हैं।
एक सज्जन कहते थे, सुबह यात्रा पर निकलना था, रात सोया और बहुत जल्दी ही नींद टूट गई, तो मैंने एक स्वप्न देखा जिसकी वजह से मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ, पुल पर चल रहा हूँ और तेज गति से हूँ, आगे जाकर के बीच में ही पुल खत्म हो जाता है और मैं गाड़ी लेकर के नीचे आ जाता हूँ और इतने में नींद टूट जाती है। उन्होंने कहा, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सुबह यात्रा करूं, मुझे लगा कि मैं ट्रेन से चला जाऊं, बस से चला जाऊं, पर अपनी गाड़ी लेकर के ना जाऊं। बहरहाल ड्राइवर आ गया समय से और वो फिर उन्होंने कहा, यात्रा पर तो मैं चल दिया, पर मैं ड्राइवर को बोलता था, भाई पुल आए धीरे चलाना कहीं ऐसा ना हो कि टूटा हुआ हो बोले घर आ गया, सब कुछ सकुशल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो अभी भी मेरे चित्त में घूमती है वो बात, कि वो क्या मेरे लिए कोई संदेश था। मैंने कहा, कोई संदेश नहीं था, पहले आपके मन में ऐसा डर आया होगा कि कभी कहीं ऐसा हो ना जाए। बोले हाँ, ऐसा तो कई बार आता है। तो अगर चित्त में कोई विचार आया है तो उसको जब हम ज्यादा तूल देने लगते हैं तो अवचेतन मस्तिष्क उसको डिलीट करने के पहले एक बार बड़े अधिकारी को, चेतन मस्तिष्क को भेजता है वो फाइल स्वप्न के रूप में। कोई भी चीज जिसको हम बहुत महत्व देते हैं वह पीछे स्टोर हो जाती है और वही स्वप्न के रूप में आती है मिला जुला करके। कुछ लोग स्वप्न में भगवान के दर्शन करते हैं, गुरु के दर्शन करते हैं, प्रीतम से मिलते हैं, कोई तेज डर होता है उनके मन में तो वो स्वप्न में आ जाता है, कोई गहरा दोष होता है, कोई गहरी शत्रुता होती है, जो भी चीज गहरे गड़ी होती है कांटे के जैसी, वो सब स्वप्न में आता है और वो मिला जुला करके आता है। कभी कभी उसका चेहरा पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन होगा वही जो देखा है, जो सुना है, जो भोगा है, जो चखा है, उसी का ही आएगा। इंग्लैंड में फ्रायड नाम के एक मनोविश्लेषक हुए हैं, सिगमंड फ्रायड, उन्होंने स्वप्न पर ही बहुत काम किया है। उनकी एक पुस्तक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, स्वप्न की व्याख्या, और उन्होंने अपना पूरा जीवन, फ्रायड ने पूरा अपना जीवन स्वप्नों की व्याख्या में लगा दिया। उन्होंने कहा, कोई आदमी भीतर से कैसा है ये उसके सपने बता देते हैं। फ्रायड ने कहा, वो क्या बोलते हैं, वो क्या करते हैं, इससे पता नहीं चलता है, उसके जो स्वप्न निकल करके आते हैं वह बताते हैं उसके मन की खास दशा। इसीलिए उसने धर्म को भी कई बार व्यर्थ बता दिया, क्योंकि ज्ञानियों के भी स्वप्न ऐसे थे कि एकदम कचरा थे। जब फ्रायड ने उन पर काम किया तो उन्होंने कहा, ये कोई ज्ञानी नहीं है, ये कोई धार्मिक नहीं है, इनके स्वप्न बता रहे हैं कि नाली में जीते हैं। तो धार्मिकों ने कहा, ये गलत बोलता है, ये गलत बोलता है। उसने कहा, मुझे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब है स्वप्नों की व्याख्या से, और स्वप्न वही है जो आपके भीतर स्टोर है, क्या स्टोर किया है ये आपके स्वप्न बताते हैं। जो परमानेंट फाइल है उसमें से चीजें डिलीट करते हैं, क्यों, ताकि नई बातें, नए विचार उसमें जाकर के स्टोर हो सके। अगर पहले से मेमोरी फुल है तो नई बातें कहां स्टोर होंगी।
तो मेमोरी से पुरानी फाइल डिलीट की जाती है ताकि नई के लिए जगह बने, लेकिन उसमें से जिसको आपने ज्यादा महत्व दिया है वह चीज मस्तिष्क को याद रहती है, और जागने पर अवचेतन मस्तिष्क पूछता है क्या इस फाइल को डिलीट करना था। अगर आप सपनों के बारे में चर्चा करने लग जाएं, पूछने लग जाएं, दूसरे को बताने लग जाएं, उनका अर्थ खोजने लग जाएं, तो इसका मतलब है वो फाइल फिर से स्टोर हो गई, वो रिस्टोर कर ले रहा है, वो फिर रिस्टोर हो जाएगी। इसलिए जब कभी कोई स्वप्न देखे तो उस पर चर्चा ना करें, बतकही ना करें, बताएं नहीं, बस उसको निकल जाने दें। इसलिए जिसको मैंने कभी देखा सुना नहीं उसका स्वप्न नहीं होता है। 50, 60, 70 वर्ष पूर्व भी जो कभी देखा सुना गया है वही बदलकर स्वप्न के रूप में आता है। इन चीजों को बहुत तूल नहीं देना चाहिए। हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, स्वप्न क्या कहते हैं, ये अवचेतन मस्तिष्क का कचड़ा है। कैसे कैसे होता है ना, वो कचड़ा जो कि किसी फाइल को डाउनलोड करते समय साथ में आ जाता है, बस वैसे ही है ये। इसको समय समय से डिलीट करते रहें, इस पर ज़्यादा चर्चा ना करें। फ्रायड ने लिखा, उस समय वर्ल्ड वॉर हो रहा था, द्वितीय विश्वयुद्ध चल रहा था। फ्रायड एक मनोविश्लेषक थे, मार्क्स एक राजनेता थे, और चार्ल्स डार्विन एक जीव विज्ञानी थे। चार्ल्स डार्विन ने बताया कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है जिसने दुनिया रची है, ईश्वर की जरूरत नहीं है, जैसी प्रकृति होती है वैसा शरीर होता जाता है, प्रकृति बदलते जाओगे तो शरीर बदलता जाता है, कोई ईश्वर नहीं उसको बनाता है, किसी ईश्वर ने किसी को काला और किसी को गोरा नहीं बनाया। चार्ल्स डार्विन, मार्क्स, मार्क्स एक राजनीतिक विचारक थे, पूरा जीवन वो अपने राष्ट्र से बाहर भगाए गए थे, तो अलग अलग जगहों पर जिए, अधिकतम उन्होंने अपनी उम्र का हिस्सा लंदन में बिताया। उन्हीं की विचारधारा पर मार्क्सवादी होते हैं। उन्होंने कहा ये जो राजनीतिक व्यवस्था है ये धनियों ने बनाई है अपने स्वार्थों के लिए, इससे जनता का कल्याण नहीं है। तो मार्क्स ने भी व्यवस्था दी और फ्रायड ने युद्ध के समय में सैनिकों को पकड़ा और उनसे उनका स्वप्न पूछा करते थे। और कई बार उन्होंने लिखा है अपनी डायरी में, कल एक सैनिक के हाथ में गैंग्रीन हो गई थी, गैंग्रीन माने हाथ सड़ने लगा था, तो उसका एक हाथ काट दिया गया और आज उसने एक स्वप्न देखा है कि वह अपने दुश्मन को हाथों से उसका गला घोंट रहा है। गला कैसे घोंट सकता है वो, जब उसका एक हाथ नहीं है तो दोनों हाथों से गला कैसे घोटेगा। उसके मन में इच्छा है कि मैं ऐसा कर सकता, ऐसा कर सकता। तो उन्होंने लिखा है कि जो भी विचार हमारे मस्तिष्क में ज्यादा तेज गति से उछल कूद मचाता है वह स्वप्न के रूप में तुरंत प्रकट हो जाता है। तो ये जो तीन लोग हैं इन्होंने आदमी को एकदम साफ साफ बताया तुम्हारे स्वप्न कैसे हैं, जैसे स्वप्न है वैसे तुम हो।
आदमी कोई ईश्वर की रची हुई कृति या प्रतिकृति नहीं है, वह अपने पर्यावरण की देन है। इन सब बातों ने अंत क्या किया, धर्म का प्रभाव कम किया। इस पुस्तक में जितने जवाब दिए गए हैं वो सारे जवाब सही नहीं हैं। अगर आप ये सोचें कि इस पुस्तक के जितने जवाब हैं वो सारे 100% सही हैं, 100% सही नहीं हैं। अपनी समझ और अपनी योग्यता के अनुसार उनका जवाब दिया गया है। धर्म सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता है, यह बात धार्मिकों को समझना चाहिए। आपको अपने घर में कौन सी ट्यूबलाइट लगानी है ये गुरुजी कैसे बताएंगे? क्या गुरुजी बिजली विशेषज्ञ हैं? जिस बात के गुरु हैं उस बात के गुरु हैं। आप अपना घर बनवाएं तो उसका जो दरवाजा है वो पूरब की तरफ रखेंगे कि पश्चिम की तरफ रखेंगे ये गुरुजी कैसे बताएंगे? जिधर की तरफ सड़क हो उधर की तरफ मुंह खोल लेना, बस बात खत्म। धर्म के पास आप सभी प्रश्नों के समाधान नहीं पाएंगे। लेकिन पहले क्या होता था कि उन्हें ही ज्ञानी उन्हें ही विज्ञानी समझा जाता था, ये सारे प्रश्नों के समाधान धार्मिक गुरुओं के पास से लिए जाते थे। अब विज्ञान मजबूत है, अब राजनीति मजबूत है, तो उनके प्रश्नों के जवाब उन्हीं से लिए जाएं। साधुओं से साधु वाले प्रश्न पूछे जाएं, और साधुओं से गलत प्रश्न पूछोगे तो जवाब गलत मिलेगा। कहने का आशय यह है कि धर्म की पुस्तकों में जो बातें लिखी है, जो जवाब जो संवाद है वह पूरा सच नहीं है। अपने अपने स्तर पर जवाब दिया जाता है, हो सकता है 20 25 50 साल बाद वो जवाब गलत निकले। अंतर समझ में आता है? 2000 साल पहले कहा जाता था धर्म की पुस्तकों में जो कुछ लिखा है वो सब सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है, सिर्फ सच लिखा है, वो ईश्वर की आवाज है। आज मैं कह रहा हूं कि पुस्तकों में जो लिखा होता है वो सब सच नहीं होता है, कुछ सही होता है कुछ गलत होता है। ये क्या है? यही विकास है, यही डेवलपमेंट है, यही प्रोग्रेस है। धर्म भी बढ़ता है, जैसे वृक्ष बड़ा होता है, जैसे आदमी का शरीर बड़ा होता है, वैसे धर्म भी विकसित होता है। अगला प्रश्न, सतगुरु मिले तो अगम बतावे। अगम, अगम क्या है? सतगुरु मिले तो अगम बतावे का अर्थ बताने की कृपा करें। पहले अगम को समझ लें। संस्कृत का शब्द है गमन। गमन का अर्थ है जाना, पहुंचना, यात्रा करना। अगम, अगम का अर्थ इसके विपरीत हो गया। आ मतलब न चला जा सके, न पहुंचा जा सके, न जानकारी ली जा सके, वह है अगम। सतगुरु मिले तो अगम बतावे। गम आंखों से जिसे हम देख सकें, कानों से जिसे सुन सकें, इंद्रियों से जिसका स्पर्श कर सकें, वह सब गमन है। अगम जहां मन इंद्रियों की गति ना हो, जो देखने सुनने
और जानने में ना आता हो वह है अगम। देखिए साहब ने कैसे लिखा है, गम का अर्थ है ज्ञात, जाना हुआ, और अगम का अर्थ इसके विपरीत है। मन इंद्रियों से जो कुछ जानने सुनने देखने में आता है वह गमन है। यह सारा संसार जो दिखता है, पांचों विषयों का समुच्चय मन इंद्रियों से प्रतीत होता है, यह सब गमन है, गम है। अगम का अर्थ है जो इंद्रिय से परे हो। लोग परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण को बाहर से पाना चाहते हैं, पर ध्यान देना जो बाहर से मिलेगा वह दृश्य विषय होगा। सदगुरु मिले तो अगम बतावे। सदगुरु बताते हैं कि बाहर दृश्यों में ना उलझो, ना बाहर कहीं परमात्मा खोजो। जो परमात्मा को खोज रहा है उसे समझो। क्योंकि इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं, दृष्टि बहिर्मुख है, इसके कारण देखने वाला दृष्टा स्वयं के लिए अज्ञात हो गया है। सबको जानने मानने वाला, सबका दृष्टा स्वयं को ही नहीं जान पा रहा। सद्गुरु इसी निज स्वरूप का भेद बताते हैं कि जो तुम्हारा स्वरूप है वह दृश्य विषय नहीं है, वह मन इंद्रियों की पहुंच से परे है, वही दृष्टा है। जब तुम बाहर से अपने चित्त को हटाओगे तब उसका बोध होगा। परमार्थ सरल है और व्यवहार कठिन। कैसे? परमार्थ सरल है और व्यवहार कठिन है, ये कैसे? व्यवहार निभाना मुश्किल होता है। अपनी साधना कि अगर समझ हो जाए तो साधना सरल है, परमार्थ सरल है। व्यवहार, व्यवहार की बड़ी उलझने हैं। कल श्री अरविंद की मैंने थोड़ी चर्चा की थी कि अरविंद एक योगी हैं, योगी थे। 1950 में उनका शरीर छूटा। अरविंद ने एक चिट्ठी में कहा था कि मैंने सोचा था कि ध्यान साधना करूंगा और जिस चीज के लिए मैं निकला हूं वो चीज पा जाऊंगा। मेरे पास कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं, अब मेरा 9/10 मतलब 100 रुपया में 90 रुपया, 9/10 का ही मतलब होता है। 100 घंटे में 90 घंटे मेरा आश्रम की व्यवस्था में, लोगों की शिकायतें सुनने में, उनका समाधान करने में बीत जाता है। 100 घंटे में 90 घंटे तो मेरे इसी में निकल जाते हैं, और जो मीरा हैं उनका तो पूरा का पूरा समय इसी में जाता है। एक साधु था, एक पहाड़ी पर अकेले रहता था। एक
निरी मैला कुचैला सा आधा अधूरा आदमी एक दिन पड़ा हुआ उसको मिल गया, उसको दया आ गई, उठा करके लाए अपनी कुटी में, उसकी सेवा किए, घाव पे मलहम लगाया, कुछ दिनों में स्वस्थ हुआ, नहलाया, कपड़े पहनाए, जो खाते थे उसको भी खिलाते थे, और वो 4-6 महीने में मस्त हट्टा कट्टा जवान निकल आया। अब वही रहने लगा। उसने कहा, गुरुजी आप तो योगी हैं, आप तो साधु हैं, आपका चल जाता है, मैं तो भी जवान हूं। तो एक दिन एक स्त्री लेकर के आ गया। अब वो दोनों वहीं रहते, गुरुजी की सेवा कर देते। कुछ दिनों उनको बच्चे हुए, फिर और बच्चे हुए। कहानी में लिखा है, उस पहाड़ी पे जिस पर कभी एक सन्यासी रहता था अकेले, अब वहां पर पूरा का पूरा एक गांव बस गया है और वो गांव के लोगों की शिकायतों का समाधान करने में लगे रहते हैं। तो परमार्थ तो सचमुच सरल है, व्यवहार कठिन है। साहब ने लिखा है, व्यवहार प्राणियों के साथ होता है और खासकर मनुष्यों के साथ। तो हर मनुष्य का अपना अलग मन होता है, अलग विचार होते हैं, उसके अपने स्वार्थ, उसकी अपनी भोग लालसा, उसका अपना अहंकार। दूसरों के साथ व्यवहार निभाना हो तो दूसरों का अहंकार और दूसरों के विरोधी विचार और दूसरों की कामनाओं को सहना पड़ता है, अन्यथा व्यवहार ठीक से निभेगा नहीं। तो लोगों के बीच रहकर व्यवहार को सुंदर और सरल बनाए रखना आसान नहीं है। व्यवहार में पद पद पर सहने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए व्यवहार कठिन है। परमार्थ में केवल अपने मन को ठीक रखना है, अपने पर संयम रखा है, अपने पर हमारा पूरा अधिकार है। हम चाहें तो अपने को पूरा बदल सकते हैं। और व्यवहार के लिए प्राणी पदार्थों की आवश्यकता है, लेकिन न मन चाहे प्राणी मिलते हैं और न मन चाहे पदार्थ मिलते हैं। परमार्थ में न प्राणी की आवश्यकता है न पदार्थ की, इसलिए व्यवहार कठिन है, परमार्थ सरल है। हरिद्वार में आश्रम है, अब हरिद्वार के आश्रम घोटे जैसे हो गए हैं। अब वो आश्रम ने उन्हें आश्रम कहना ठीक नहीं लगता है। महंगे महंगे आश्रम डिजाइनर्स होम जैसे होते हैं, आप किराया दीजिए और रहिए, सस्ता होटलों की अपेक्षा सस्ता होता है वो, क्योंकि वो आश्रम है, खाने पीने को मिल जाएगा, आप रहिए। साधु संत भी रहते हैं, आने वाले लोग भी रहते हैं। अब वो चूंकि किराया देकर के रह रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि वो आपके वो सत्संग में शामिल हों, कोई जरूरी नहीं कि वो बंदगी में आए, खाने के टाइम पर आएंगे, खा लेंगे, उनको जहां जाना है सैर करने के लिए चले जाएंगे, फिर आएंगे, 2-4 दिन 6 दिन रुकेंगे, आपके पैसे दे देंगे, चल देंगे। कहने को तो यह है कि वो आश्रम में रहेंगे, आश्रम में रहते थे लेकिन आश्रम से मतलब नहीं था उन्हें, उनके लिए ठहरने की जगह भर थी। बहुत से आश्रम ऐसे हैं जब वहां के मुखिया लोग थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं होटल चलाते चलाते, तो छोड़ करके ऊपर ऋषिकेश के आगे पहाड़ की कंदराओं में चुपचाप रहते हैं। छोटी छोटी जगहों में बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। जब थोड़ा सा साधना में गति मिलती है, थोड़ा मन अच्छा होता है, तो फिर अपने अपने
आश्रमों में या होटलों में उतर आते हैं, फिर कर्जे कराएं लगते हैं। तो परमार्थ तो अपेक्षितया बहुत सरल है, बस मन उसके लिए तैयार हो, और व्यवहार व्यवहार में तो बहुत खटपट है। लेकिन यह ध्यान रखना होगा, साहब आगे लिखते हैं कि जीवन में केवल परमार्थ ही नहीं है, व्यवहार भी है। बिना व्यवहार के जीवन चल नहीं सकता, इसलिए व्यवहार को भी सुंदर बनाने की आवश्यकता है। व्यवहार को बिगाड़कर परमार्थ बन ही नहीं सकता। तरीका है, अपने पर जितना संयम होगा, स्वार्थ बुद्धि और भोग कामना जितनी कम होगी, जितना घटा सकेंगे, व्यवहार उतना सुंदर बनेगा और परमार्थ भी। उपवास तन को प्रभावित करता है या मन को? यदि उपवास सही ढंग से किया जाए तो वह तन और मन दोनों को प्रभावित करता है। इस प्रकार गृहस्थी जीवन में व्यक्ति विषयों का त्याग कैसे करे? विषयों के त्याग में सुख एवं लाभ निश्चय होने से रास्ता अपने आप निकल आता है। केवल सोचने से या केवल कहने से काम नहीं होता, काम करने से काम होगा। गृहस्थी में रहते हुए पहले मोटे मोटे दोषों को त्याग करें, फिर त्याग का बल बढ़ता जाएगा और विषयों का त्याग भी संभव हो जाएगा। और दृढ़ निश्चय से हर काम संभव होता है। इस प्रकार ये थोड़े से प्रश्न यहां से पढ़े गए साहेब बंदगी।